के साथ खबर पुनासा से मिल रही है। पुनासा में अजनाल नदी के पुल पर नवजात का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुनासा पुलिस मौके पर पहुंची। पुनासा थाना क्षेत्र के रिचपल गांव का ये मामला है, जहां पर अजनाल नदी के पुल पर मिला नवजात का शव। पुनासा से खबर आपको बता रहे हैं, अजनाल नदी के पुल पर नवजात का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुनासा थाना क्षेत्र के रिचपाल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर अजनाल नदी के पास एक नवजात का शव मिला है। पुलिस लगातार यहां पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुनासा से खबर बता रहे हैं आपको, अजनाल नदी के पास नवजात का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुनासा पुलिस मौके पर पहुंची है। तो वहीं पुनासा थाना क्षेत्र के रिचपाल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर नवजात का शव मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो हमारे साथ यहां पर पुनासा संवाददाता रघुवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रघुवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है, नवजात का शव मिला है, पुलिस का क्या कहना है? जी अनन्या, बताना चाहूंगा, पुनासा चौकी क्षेत्र के रिशफल गांव के पास में गुरुवार कल शाम की घटना है। अजनाल नदी में एक नवजात बच्ची का शव मिला। जब इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई पुलिस चौकी पुनासा में, तो पुलिस चौकी प्रभारी सूसा परते और उनकी टीम मौका स्थल पर पहुंची और वहां जाके बच्ची का शव पानी में जो तैर रहा था उसको बाहर निकाला। उसके बाद में पुनासा हॉस्पिटल लेके आए, वहां उसका पीएम करवाया गया। उसके बाद में करीब रात को 7 बजे के समथिंग पीएम कराने के बाद में जब पूछा गया डॉक्टर से कि सर ये कितने माह की है, तो डॉक्टर ने बताया कि 7 माह की ये बच्ची है। और उसके बाद में जिस प्रकार से उस बच्ची को फेंका गया है या देखने को जो मिला, बड़ा दिल दहलाने वाली घटना लगी है कि किस प्रकार से ऐसे माँ बाप हैं जो इस प्रकार बच्चियों को पैदा करके और फेंक देते हैं। मतलब एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिली है ये। इसके बाद में पुनासा चौकी प्रभारी ने इस मामले को लेकर प्रकरण अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और मर्ग कायम किया। मामले की फिलहाल अभी जांच की जा रही है। जी रघुवीर, अभी तक इस पूरे मामले में जो है कुछ पता चला कब वो शव फेंका गया था, कितने समय पुरानी जो है वो बच्ची का शव है वहां पर? जी बच्ची करीब 8 से 10 घंटे के समथिंग की बच्ची थी वो, जिस समय उसकी जो पैदा हुई है बच्ची, वो 8 से 10 घंटे के समथिंग की बच्ची थी वो। जी ठीक है रघुवीर, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बच्ची का शव जो है उसे फेंक दिया गया, नवजात बच्ची का शव यहाँ पर नदी में तैरता हुआ मिला है। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ऐसे में 7 से 8 माह की बच्ची बताई जा रही है,